मित्रा के किसान नेता योगेश तिवारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बता दें, योगेश तिवारी के नाम से किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी बना ली और उसके माध्यम से पैसे की मांग करते हुए मैसेज भेजा जा रहा है। इसकी जानकारी जैसे ही लगी उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और लोगों से अपील की वह इस प्रकार के फर्जी मैसेज पर ध्यान न दें। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा, शिकायत के आधार पर साइबर सेल को जांच के लिए भेज दिया गया है। जो आरोपी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आया था कुछ कोई कुछ लोग हैं जो फर्जी आईडी बनाकर जो संचालित कर रहे हैं मेरे नाम से। अभी एक आईडी सामने आया, इसके पहले भी एक आईडी आया था, मैंने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वो आज जगह जगह मेरे बहुत सारे जो बेमेतरा क्षेत्र से और बाहर छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोग हैं उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं कि मुझे 10,000 की आवश्यकता है, कभी 20,000 की आवश्यकता है। इस तरह से लोगों को मैसेज कर रहा है, कुछ फिर असली बातें भी कर रहा है। तो इसलिए मैं आगे आज एसपी साहब को मैंने कंप्लेंट किया, ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई हो। ये किसान नेता हैं मिस्टर योगेश तिवारी जी, इनकी एक फर्जी आईडी बनाकर किसी ने पैसे की मांग की जा रही है और तमाम पोस्टें डाली जा रही हैं, उसके लिए इन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया है। इनकी शिकायत की हमारे द्वारा जांच की जा रही है और मैंने इसको साइबर सेल को मार्क किया है।